के अंदर एक ही टीम है जो एक बैटर पे बहुत डिपेंडेंट रही है, वो है आपकी पेशावर जल्मी, बाबर आजम, अपने कप्तान पे, कि बाबर रन बनाएंगे तो हम अच्छा कर जाएंगे, अगर बाबर रन नहीं बनाते तो हमारा बेड़ा गर्की है। तो इस समय बाबर आजम इस सीजन के पीएसएल में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज है। अब बाबर ने आज क्या किया है, बाबर ने आज 35 बॉल पे इन्होंने अपना 50 लगाया पीएसएल इतिहास में। शॉट है यार, कवर ड्राइव है बाबर आजम, मजेदार बढ़िया चौका लगाया भाई, आता है इसको बड़ा नहीं। बाबर आजम कवर ड्राइव पे तो खैर बहुत लोग तारीफ करते हैं, कुछ लोग तो कंपेयर करते हैं भाई कि विराट की कवर ड्राइव से बड़े अच्छे अच्छी है, बड़े शाबाश बढ़िया, गुड प्लेयर बाबर आजम, वर्ल्ड क्लास, सब कैच क्या छोड़ रहे हैं यार, सब फेल है बाबर आजम का। तो इंडिया की पिच तो रनों से भरी हुई है, चौका भाई पिंडी में, तो पिंडी में तो रन बनने बनने भाई, उसने 5 बोले खेली 11 रन मार दिए, 2 बॉल 2 चौके भाई बाबर आजम। मोहम्मद अली क्या कर रहे हो भाई, इतने आगे क्यों रख रहे हो, देखो यार ये शॉट सैम अयूब आउट, कहां आउट यार, बहुत तगड़ा मारा है, देखिए मेरी दोनों मोहम्मद अली पिट रहा है यार, अलीज ऑन द रोप्स एज वेल, आ तो आके भी पीएसएल देख बैक हैंड्स ऑफ टाइम यार, यहाँ पे लेकिन हमारे यहाँ तो वैसे होता है, वो जो डालो मोहम्मद अली कितनी गंदी मार खा रहा है भाई, 3 ओवर 40 हो गए ऑलमोस्ट भाई, सही मरीज में ना डार के ले लिया, वो छोड़ ही ना उसको, वो जा रहा है उसको चौका लगा रहा है वो, गुड नॉक बाय इफ्तिकार अहमद भाई, आज इस बंदे की जितनी तारीफ करो ना उतनी कम है, इसने जब से आया क्रीज पे बॉलर्स को सांस ही नहीं दिखा, शॉट मैन, लास्ट बॉल पे भी लगा के गया भाई, वो उसको एक बॉल और मिल जाती ना वो मैच जिता देता आपको, 4 रन से हारे हो आप, नो बॉल चेक कर लो, नहीं नो बॉल तो नहीं, 4 रन से जीत गया भाई पेशावर जल्मी, बाय द वे इसने गलती कर दी, इसको वो सिंगल लेने नहीं चाहिए, ये जो आज इफ्तिकार अहमद ने सिंगल लेकर स्ट्राइक दे दी वहां क्रिस जॉर्डन को, अगर वो वहां सिंगल ना लेता ना, और अगर जॉर्डन उन गेंदों पे चौके लगा गया तो इफ्तिकार में वो हिम्मत थी कि भाई इफ्तिकार वहां पर छक्के लगा सकता था और शायद मैच का नतीजा कुछ और। बाबर आजम इसी टाइप के बल्लेबाज है, कंसिस्टेंसी के किंग माने जाते हैं, T20 फॉर्मेट हो या वनडे फॉर्मेट हो या टेस्ट फॉर्मेट हो, लगातार बाबर आजम को सिर्फ एक ही काम करना आता है, वो है रन्स बनाना, रन्स पे रन्स ये खिलाड़ी बनाता जाता है, और इतना आसान बना दिया है बाबर आजम ने रन बनाना, 50 लगाना, सेंचुरी लगाना, कि लोगों को लगता है कि ये चीज बड़ी इजी है, लेकिन बाकी के खिलाड़ियों से नहीं होता है। अच्छा दूसरी बात ये कि बाबर आजम पे ये भी इल्जाम लगता है कि वो रावलपिंडी जैसे मैदान पे रन्स करते हैं जहां पे फ्लैट विकेटें होती हैं, तो ये भी बात हो जाती है कि अगर बाबर आजम ही फ्लैट विकेट पे रन करते हैं तो बाकी खिलाड़ियों को भी करना चाहिए, बाकी खिलाड़ी नहीं करते तो इसका मतलब है कि कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इस खिलाड़ी में है जिसकी बदौलत ये कंसिस्टेंसी को मेंटेन करके रखता है और रन्स पे रन्स करता है। इस समय बाबर आजम पीएसएल में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज हैं। इस समय बाबर आजम इस सीजन के पीएसएल में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज हैं। अब बाबर ने आज क्या किया है, बाबर ने आज 35 बॉल पे इन्होंने अपना 50 लगाया पीएसएल इतिहास में, सबसे ज्यादा 50 लगाने का रिकॉर्ड भी जो है वो इसी के नाम है, मतलब बाबर आजम के ही नाम है, और उन्होंने जो है 40 गेंदों पे 64 रन की शानदार इनिंग्स खेली है, शानदार इनिंग्स खेली है, 150 का उनका स्ट्राइक रेट रहा, मुल्तान सुल्तान्स के खिलाफ मुकाबला हो रहा है और बाबर आजम जब खेलते हैं इनके फैंस यही दुआ करते रहते हैं कि बाबर के बल्ले से आज शतक आए, लेकिन जिस तरीके से बाबर आजम आज हिटिंग कर रहे थे, हालांकि सैम अयूब के साथ आए थे तो लगभग में 3.5-4 ओवर में ही जो है ना इनका 50 रन पूरा हो गया था, अच्छी खासी पार्टनरशिप हो गई थी, लेकिन इसी दौरान जो है सैम अयूब आउट हो जाते हैं 22 गेंदों पे 46 रन बनाकर, और उसके बाद टॉम कॉलर कैडमोर जो इस समय खराब फॉर्म से गुजर रहे हैं वो स्ट्रगल करते हैं, तो विकेट गिरने के बाद बाबर जो है वो स्लो हो जाते हैं, लेकिन उसके बाद अपनी पारी को आगे बढ़ाते हुए बाबर आजम 35 गेंदों पे 50 पूरा करते हैं, और ये भी एक रिकॉर्ड है पीएसएल में सबसे ज्यादा 50 प्लस स्कोर करने का, तो ये बाबर का काम है, ओवरऑल गुड इनिंग्स, 40 बॉल 64 रन, और यही तो हम उम्मीद करते हैं बाबर आजम से।